बहुत प्यारे लग रहे हो आप लोग। आपका लुक अलग लग रहा है मैम, थोड़ा आपका लुक थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ थोड़े से, हाँ मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हाँ काफ़ी टाइम बाद दिखाना आपको। हाँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और विवेक दहिया स्पॉट किए गए मुंबई के एयरपोर्ट पर, जहां दिव्यांका का लुक थोड़ा अलग था। फिर क्या था, पैप्स ने भी दिव्यांका से उनके लुक के बारे में पूछ लिया। दिव्यांका ने पैप्स से अपने लुक के बारे में फीडबैक तो दिया ही, साथ ही एयरपोर्ट की खबर भी ले ली। चलिए दिखाते हैं आखिर क्या कुछ पूछा दिव्यांका ने। और जी, आप लोग कब से हो यहां पे? हम लोग तो मैम शाम के 5 बजे से यहीं रहते, सुबह के 5-6 बजे तक। अभी तो वो दिलजीत पाजी गए, दिलजीत दोस्त, धनुष गए, धनुष धनुष मारी। जूम ने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि शिजान खान को बिग बॉस OTT3 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन शिजान फाइनल नहीं हुए। वेल, इस बारे में शिजान ने जूम से बात की और बताया कि आखिर क्या रीजन था। इतना ही नहीं, शिजान ने ये भी बताया कि लास्ट ईयर भी उन्हें शो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। शिजान ने इस सीजन में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में भी बात की। नाम आया था, देन उसके बाद आई डोंट नो, देखो मैं भी उस लास्ट ईयर, मुझे पता है कि जब मैंने मना किया था कि मुझे नहीं करना, मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि मैं करना चाहूँगा। इस बार ऐसा है कि आई एम ओपन फॉर एनीथिंग एट ऑल, तो मैंने ना किसी चीज़ को नहीं किया। अब हो ना हो वो ऊपर वाले के हाथ में, हम तो हम बैठे हैं आपके सामने, यहाँ जैसे बैठेंगे वहाँ देखेंगे क्या होगा, जब कभी होगा तो होगा। मैंने अभी लास्ट देखा कि उसमें नेजी है, एंड आई बीन अ फैन ऑफ नेजी। हाँ अच्छा। देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे, लेकिन ज़रा देखो दिलों में है जगह बेशुमार, तो पुकार कभी भी गली से मदद देने को तैयार। गरीबी चलेगी लेकिन फरे भी करेंगे नहीं, जलेबी तलेगी लेकिन पटेल झुकेगी नहीं, जहाँ भी चलेंगे मोरे हटेला झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हटेला है मेरी गली का तरीका सलीका सिखेला है। तो आई बीन अ फैन ऑफ नेजी, लाइक डाई हार्ड फैन ऑफ नेजी। आई रियली वॉन्ट हिम टू विन यार, आई रियली वॉन्ट हिम टू। वो तो देखो OTT में उनको पता है उनको क्या लाना है। आई थिंक मेकर्स आर दैट मच अवेयर कि उनको पता है कि हमें ये सेट ऑफ पीपल लाने हैं OTT में, एंड दिस सेट ऑफ पीपल विल वर्क ऑन TV। दे शुड नॉट मिक्स दीज टू, आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर एनी ऑफ दैट पार्टी। तो आई थिंक इट्स देयर कॉल, हूएवर दे वांट्स टू कॉल ऑन द शो, एंड इट्स फाइन विद देम, एंड आई एम हैप्पी फॉर फ्यू ऑफ देम, लाइक लेजी के लिए आई एम वेरी हैप्पी। दिव्या अग्रवाल की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, जी हाँ, और इस बात की जानकारी खुद दिव्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्टोरी पोस्ट करके दी। दिव्या ने अपने मॉम की पिक्चर लगाई और लिखा, इट्स द टाइम व्हेन योर पेरेंट्स बिकम योर बेबीज एंड देयर माइनर वुंड्स बिकम योर बिगेस्ट पेन, गेट वेल सून मा, लॉट्स ऑफ लव। वेल, हम भी यही विश करते हैं कि दिव्या की मॉम बहुत जल्द ठीक हो जाए। बिग बॉस 9 फेम प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के घर आने वाला है नन्ना मेहमान, जिसकी जानकारी प्रिंस नरूला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फैंस के साथ शेयर की थी। वहीं जब जूम ने प्रिंस नरूला के साथ की एक्सक्लूसिव बात, तब उन्होंने पहली बार पिता बनने के बारे में की दिल खोलकर बात और युविका की प्रेगनेंसी पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मैं बहुत खुश हूं और उत्साहित हूं। जब हमें पता चला कि युविका प्रेग्नेंट है तो हम दोनों रोए, ये एक बड़ा आश्चर्य था, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, हमने हमेशा सोचा था कि हम एक बच्चे की योजना बनाएंगे, अब ये सबसे अच्छा समय है और युविका और मैंने सोचा कि अब समय आ गया है लोगों को बताने का। इसके साथ ही जब जूम ने प्रिंस से जानना चाहा कि आखिर युविका की डिलीवरी डेट कब है, तब प्रिंस ने जवाब में कहा, मैं अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता, हम इसे सीक्रेट रख रहे हैं। प्रिंस ने ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि उनकी बेबी गर्ल हो। अनिरुद्ध और झनक का होगा डिवोर्स। सीरियल झनक के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अनिरुद्ध के डैड सभी घर वालों और मेहमानों के सामने करेंगे खुलासा कि अनिरुद्ध ने झनक के साथ शादी उसे बचाने के लिए की थी और अब अनिरुद्ध झनक को डिवोर्स देकर इस शादी को खत्म कर देगा ताकि अनिरुद्ध की शादी अर्शी के साथ हो सके। वेल, ये सुनकर झनक हो जाती है शॉक्ड। वेल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध और झनक का होगा डिवोर्स या फिर सीरियल की कहानी में आएगा एक नया मोड़। टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पावर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के ब्रेकअप की खबर ने हर किसी को कर दिया है शॉक्ड। वहीं दोनों की तरफ से भी इन तमाम रूमर्स पर नहीं आया है कोई एक्शन और अब इन तमाम रूमर्स के बीच करण ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया अपना एक वीडियो जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो एक एड शूट का है, लेकिन करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के इस वीडियो को देखने के बाद फैंस कर रहे हैं रिएक्ट और ब्रेकअप की खबरों को बता रहे हैं फेक।